था ना, तो हर लोगों के मुंह में से वही होता है, भाई तू इतना अर्न कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। जो पहले हंसते थे ना, वो लोग भी अभी जाके चैनल ओपन कर रहे हैं मेरे को देख के। प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग टॉपिक को आप ध्यान में रख के बताइए कि क्या ऐसा कंटेंट है जो नए क्रिएटर यूज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से अपने चैनल पे आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर बनाने वाले हैं। और इन्होंने बहुत ही दिमाग लगाया और बहुत शॉर्टकट तरीका यूज किया और जो माइंड ब्लोइंग गेम खेला, जिस वजह से इनकी वीडियो पे बहुत ज़्यादा रीच मिली और बहुत जल्दी इन्होंने यूट्यूब पे सफलता पाई। और आज ये यूट्यूब से कितना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे हम कॉन्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। और जो ये ट्रिक लगाते हैं, वो ट्रिक का राज भी आपको बताऊँगा, जिससे आप अगर शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है और आपके चैनल का नाम क्या है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम तरुण नायक है और मैं ITZ तरुण 07 मेरा चैनल का नाम है। मैं एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से हूँ, एक गांव से, मतलब गांव का नाम हमारा लीलेसर है। अच्छा, देखिए हर एक यूट्यूबर की अपनी अपनी कहानी होती है। हर कोई, कोई भाई ये बहुत अच्छे घर से होता है, कोई बहुत डाउन घर से होता है, कोई यूट्यूबर तो ऐसा है जिनके घर वाले सपोर्ट करते हैं और कोई यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते। तो थोड़ा सा आप अपने संघर्ष की स्टोरी बताइए कि आपकी संघर्ष स्टोरी कैसी थी, आपकी फैमिली की कंडीशन कैसी थी। मेरी स्टोरी मैं बताता हूँ, वैसे मतलब वैसे कोई बड़े घर से तो नहीं थे हम लोग, ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ मैं। और मतलब गांव में रहते थे तो गांव के लोग तो ऐसे नॉर्मली होते ही हैं। और रही बात फैमिली सपोर्ट की, तो फैमिली से मेरे को मतलब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला था, समझ लो कि स्टार्टिंग से मेरे को सिर्फ गालियाँ पड़ती थी घर से कि क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई काम का है नहीं, खाली तू दिन भर मोबाइल में लगा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। बट मतलब मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता था और मतलब मैं अपने काम से काम रखता था। हमारी फैमिली भी मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत लो कंडीशन से, इतना हाई है नहीं, मतलब एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे हम लोग। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी अभी तो कुछ है नहीं, किसानी करते हैं, गांव में तो किसानी चलता है। तो ये आपको यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आया कि मुझे यार यूट्यूब पे जाना चाहिए, यूट्यूब से पैसे कमाना चाहिए, खासकर इस शॉर्ट्स के फील्ड में जाना चाहिए, इसका आइडिया कैसे चला आपको? मेरे को यूट्यूब का आइडिया मिला था आज से करीब 4 साल पहले, क्योंकि मेरे को यूट्यूब में 4 साल हो गया और 4 सालों में मैंने अभी इस वाले चैनल पे ही जाके कुछ किया है। जब मैं मतलब 9th क्लास में था तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाना। मैंने मतलब आइडिया तब मिला था मेरे को जब मैं यूट्यूब में लोगों की वीडियोस देखता था, तो लगता था कि हाँ कि मतलब ये वीडियो बनाते क्यों हैं, कुछ तो मतलब ऐसा बेनिफिट होगा, कुछ तो होगा तो ये लोग वीडियो बनाते हैं करके। तो फिर मैंने भी वहाँ से रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड मेरे को पता चला कि यूट्यूब से, हाँ अब यूट्यूब के थ्रू भी करियर बना सकते हो, कुछ हो सकता है। तो फिर जहाँ मैं रहता था वहाँ के लोगों को मतलब जैसे गांव के, तो अब गांव वालों ने कभी देखा नहीं है कि कोई मोबाइल से भी कुछ अर्न कर सकता है, अपना मतलब फ्यूचर सेट कर सकता है, तो उनको ऐसा कोई आइडिया नहीं था। वो हंसते थे जब भी मैं वीडियो बनाता था स्टार्टिंग में, मतलब बहुत लोग हंसते थे और बोलते थे कि पागल है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन मतलब मैंने बहुत कैटेगरी में ट्राई की, मैंने सबसे पहले अपना एक टेक चैनल बनाया था, उस पर मैंने बहुत अच्छी से मेहनत की थी, बट उसमें कोई हुआ नहीं। 1 साल मैंने टेक चैनल में ही गुजार दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने कॉमेडी स्टार्ट की, मैंने अपने फ्रेंड के साथ कॉमेडी, अभी भी मतलब फ्रेंड के साथ जिनके साथ रहता हूँ उनके साथ मैंने कॉमेडी चैनल स्टार्ट किया, उस पर भी हमने मतलब बहुत मेहनत किया बट उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने वहाँ से चैनल किया एक एक्सपेरिमेंट का भी ट्राई किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके मैंने समझ लो हर एक कैटेगरी पर मैंने चैनल बना लिया बट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 3-4 साल मेरे ऐसे ही गुजर गए। फिर शॉर्ट आया, जब शॉर्ट्स आया तो शॉर्ट्स पे मैं बनाता नहीं था, शॉर्ट्स में लॉन्ग पे ही रेडी बना रहा था। उस टाइम मैंने गेमिंग का चैनल बनाया था जब लॉकडाउन लगा था, क्योंकि लॉकडाउन पे तो घर पे हैं, कुछ काम तो है नहीं। जब गेमिंग का चैनल बनाया तो उस पर मैंने रेगुलर वीडियो डालना चालू की, उस पर भी बहुत मेहनत की और उस पर मैंने मतलब कुछ एचओ भी किया था, समझ लो मेरा फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर मैंने वहीं पर किया था और उसकी मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई थी और वो चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा फ़ोन जो था वो लो एंड डिवाइस था, तो इसके वजह से वो कुछ टाइम तक मैं बना पाया, उसके बाद मेरे को वो चैनल भी ड्रॉप करना पड़ा और वो चैनल भी बंद हो गया। फिर क्या हुआ, मेरे पास तो कोई रास्ता था नहीं, अब क्या करें। तो मैं देखा जब YouTube चलाता था तब शॉर्ट्स मतलब बहुत ज़्यादा चलते थे, कुछ मतलब बहुत वायरल हो रहे थे, तो मैं सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो जब मैंने अपनी पहली शॉर्ट वीडियो डाली तो पता नहीं कैसे बट वो पहली शॉर्ट वीडियो ही बहुत अच्छी तरीके से वायरल हो गई, तो फिर वहां से मैं मोटिवेट हुआ और आगे फिर शॉर्ट बनाने के लिए फिर रेडी हो गया। अच्छा, आपने ये बात बहुत सही कि गांव में जो लोग होते हैं ना वो हमेशा ये कहते हैं कि यार वीडियो से क्या पैसा कमाओगे। जैसे एग्जांपल में भी हम लोग यूपी से हैं, जैसे यूपी में भी हमारे यहाँ ये है, जैसे अभी आप वीडियो बनाओ तो अगर कोई बैठा है कि ठीक है उसको यकीन ही नहीं होता कि वो वीडियो से भी पैसा मिलेगा, जो क्या बोलेगा अयो भाई, ये भाई और वो फलानवा का लड़का है ना वो वीडियो से पैसा कमा रहा है, तो लोग बोल गया पगला गए, वो कहा वीडियो से कौन पैसा देगा, यहाँ हम लोग साला फरुआ चला रहे कोई पैसा नहीं दे रहे, इनको वीडियो से कोई पैसा देगा।
उसके बाद जब आप अपने आप को साबित कर दोगे, जैसे आप अपने आप को प्रूफ कर दोगे हाँ यार वीडियो से पैसा आता है, तो वही लोगों की बोली बदल जाएगी। अरे क्या बात है, ये वीडियो से पैसा कमा रहा है, हाँ जरूर दो नंबर का करता होगा। सही बात है, ये गांव में होता रहता है। मैं बताता हूं, अच्छा आपने हाँ जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई, पहले तो मेरे को लोग यही बोलते थे कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब चार साल मैंने यूट्यूब पे मेहनत की, चार साल में जितने भी लोग मेरे को जानते थे कि हाँ ये यूट्यूब पे वीडियो बनाता है वगैरह, उसमें से कुछ ही लोग जो सपोर्ट करते थे वो फ्रेंड ही थे अक्सर, और बाकी सारे लोगों का गांव वालों का पूरा का बोलना यही था कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, मोबाइल में कुछ होगा नहीं, खाली हंसते थे, समझ लो पूरी तरह से मेरे पे हंसते थे वो लोग। लेकिन जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई तो फर्स्ट पेमेंट मेरी काफ़ी अच्छी आई थी, 50K से ऊपर आई थी, मतलब 70K के आसपास आई थी फर्स्ट पेमेंट। तो उस टाइम हुआ कि यूं कि मतलब ना वो मेरी लीक हो गई, वायरल हो गई गांव में कि हाँ ये इतना फर्स्ट पेमेंट इसका आया। तो मैं जहां भी जाता था ना तो हर लोगों के मुंह में से वही होता है, भाई तू इतना अर्न कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। जो पहले हंसते थे ना वो लोग भी अभी जाके चैनल ओपन कर रहे हैं मेरे को देख के कि हाँ भाई इसने कमाया है, हम भी करेंगे, हम भी स्टार्ट करेंगे। सही बात है कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं भी गांव में रहता हूं तो मैं भी जब अपना चैनल बनाने लगा अभी, तो स्टार्टिंग दिन में देखो लोगों को मैं बताता नहीं कि मैं यूट्यूब करता हूं या फिर ये करता हूं, क्योंकि जिसको बारे में यूट्यूब को नहीं पता जिसे उससे यूट्यूब के बारे में बताना बेवकूफ़ी है। खासकर जो हमारे कुछ हेटर होते हैं गाँव में होते हैं, ठीक है आप उसके सामने आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो आपसे जलन रखेंगे ही रखेंगे। तो हमारे गाँव में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप सच में वीडियो बनाते होगे, वीडियो से क्या पैसा मिलता है, ये वो 50 कोई लोग क्या था ना कि जो कोई वो नहीं है, वो हमेशा बुराई में ही लगे रहते हैं कि वीडियो मतलब वो लोग क्या थे वो ना डांस करते हैं। वीडियो का मतलब ये है जैसे आर्केस्ट्रा में कोई डांस नहीं होता, उनकी नज़र में बहुत गंदी चीज़ है वीडियो बनाना। तो मेरे घर वाले दिन बोले कि जब वीडियो बनाते हो, काफ़ी लोग मेरे से जो यूट्यूब के बारे में जानते हैं वो मेरे से मिलने आते हैं, जो यूट्यूब के बारे में जानते हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं आते हैं। तो वो लोगों की जो गांव वाले हैं थोड़ा सा बुराई करते ही हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा यार देखो, भैंस को फेरो लवली का प्रचार करोगे तो कोई मतलब नहीं है। सही बात है, जो बैल बुद्धि है बैल को अब उसे जींस का प्रचार करोगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उसके औकात के परे है। तो आपको कोई बुरा भला कर रहा है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बोलोगे मेरा बड़ा सपना है तो आपको लोग मजाक उड़ाएंगे, अगर आप बोलोगे मैं बिजनेस करूंगा फिर भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप बोलोगे मैं यूट्यूबर बनूंगा फिर भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग वही आपका मजाक उड़ाएगा, वही आपकी बुराई करेगा जो उसके औकात की नहीं है। बिल्कुल, जो यूट्यूब के बारे में नहीं जानता वो यूट्यूब की बुराई करेगा ही करेगा। तो भैया भैंस के सामने फेरो लवली मत प्रचार करो, आप उसके सामने फेरो लवली के प्रचार करो जो फेरो लवली लगा सकता है। जैसे ये बता रहे हैं कि पहले तो लोग आपको इनको गाली दे रहे थे, उसके बाद जब पैसे कमाने लगे हाँ यार पैसा कमा रहा है, चैनल चेक करने लगे, सर्च करने लगे। अच्छा आपके जिंदगी में अभी तक यूट्यूब का जो करियर है, सबसे बुरा वक्त कब आया था? बुरा वक्त जब आया, जब मतलब मैं पूरी जिंदगी में बता रहा हूँ, जब मतलब हमारा ये YouTube मैंने शॉर्ट पे मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब मेरे सब्सक्राइबर तो हो गए थे, मेरे को लगा कि अब मेरी अर्निंग स्टार्ट भी होने वाली है, एंड उस टाइम फैमिली का कंडीशन भी बहुत लो हो चुका था, मतलब बिल्कुल ही लो हो चुका था, कर्जे वगैरह भी बहुत हो चुके थे। तो उस टाइम हुआ यूं कि मेरा वीडियो अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से मेरे को एक गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ गई, तो उस वक्त ऐसा लगा कि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मेरा तो 3 महीने के लिए पूरी तरह से चैनल बंद हो गया, अर्निंग जो होने वाली थी वो भी नहीं हुई, तो फिर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, मतलब उस टाइम समझो मैं पूरा सा पूरी तरह से वो हो गया था, खत्म ऐसा लगा मेरे को। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तक तो मैंने YouTube से 4 साल हो गए कुछ अर्न नहीं किया है, और अभी जब अर्न होने वाला था तो स्ट्राइक पड़ गई, तो क्या हुआ 3 महीने और मेहनत करके देखते हैं, क्या पता ये चैनल कुछ और बढ़ा करके दे सके, अभी वैसे भी कुछ हमारा अर्न हो नहीं रहा था और अभी भी अर्न हो नहीं रहा है, वही पड़ेगा, इससे अच्छा हम और मेहनत करते हैं। फिर मैंने इसमें और मेहनत स्टार्ट करना पड़ा, मतलब किया, उसके बाद जाके जब मेरी एक वीडियो वायरल हो गई एकदम अच्छी तरह से, और उस टाइम मतलब ना 3 महीने तक मेरी अर्निंग बंद हुई, तीन महीने में मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि 3 महीने के अंदर मेरे को बहुत अच्छे व्यूज मिले थे, उस टाइम मेरा चैनल बूस्ट हो रहा था। जैसे 3 मंथ खत्म हुए उसके बाद से मेरी अर्निंग जो है स्टार्ट हुई, उस टाइम मेरे को उस टाइम की कंडीशन फैमिली की बहुत ज़्यादा डाउन, मतलब ये है कि जब आपका मेहनत आपका फल देने वाला था उस समय में और ज्यादा बुरा दिन आ गए। बिल्कुल, लेकिन आपने ये सोचा कि यार मैंने जो 4 साल गंवाया है कुछ नहीं मिला तो 3 साल और करके देखते हैं, यही चीज लोगों को सीखना चाहिए, यही एक पॉइंट लोगों को सीखना चाहिए कि कभी कभी लोग मेन मकसद पे आकर मेन मंजिल पर आकर जैसे ही पहुंचने वाले हैं तो वो छोड़ देते हैं, जैसे वो पहुंचने वाले हैं होते हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो लगे रहें तो उनकी चैनल कभी कभी ग्रो होता है। जैसे आपका सब्र आपका फल दिया, उसके बाद जब आप पैसे कमाया तो घर वालों की क्या रिएक्शन था, घर वाले खुश हुए? घर वालों का रिएक्शन तो मतलब बता नहीं सकता, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन था, जो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, मैं मानता था वो सपोर्ट नहीं करते थे, मैं वो मानता था कि जान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं,
क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने कभी देखा नहीं है, कोई गांव के एरिया से है तो किसी को देखा ही नहीं है कि कोई मोबाइल से अर्न कर रहा है, तो बिना देखे तो वो बिलीव कर नहीं सकते थे। इसलिए मैं उनकी ताने भी सुन करना चुपचाप रहता था, क्योंकि मुझे पता था उनको इसके बारे में पता नहीं है, जब उनको प्रूफ मिलेगा तब जाके सपोर्ट करेंगे। एंड वही हुआ, जब उनको प्रूफ मिला, जब पेमेंट आई, तो वो लोग भी खुश हुए और वो अभी फुल सपोर्ट पे हैं। सही बात है। देखिए, सपोर्ट ना करने का दो रीजन होता है। जैसे देखिए, जो फैमिली होती है वो आपको सपोर्ट क्यों नहीं करती पता है? क्योंकि उन्हें यूट्यूब के बारे में पता नहीं होता और वो आपकी ज़िंदगी को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, आपकी केयर करते हैं, कहीं ये गलत ट्रैक पे ना जाए, कहीं वो फंस ना जाए। फैमिली मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी को लेकर वो चिंतित होते हैं, लेकिन जो पड़ोसी होता है, जो पड़ोसी होता है वो आपको जबरन नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कहीं मेरे से आगे ना बढ़ जाए, दूसरों को नज़र में गिराना चाहता है, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। यहाँ दो कंडीशन होते हैं, जो फैमिली से भाई आप दुश्मनी ना मत करो, फैमिली आपकी केयर करती है इसलिए वो आपको यूट्यूब के लिए सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो हेटर होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो आपसे जलन के मारे सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और जब आप अर्निंग करने लगोगे तो भाई फैमिली आपके साथ हो जाएगी, चाहे आप कम पैसा कमाओ चाहे ज़्यादा पैसा कमाओ, फैमिली को साबित हो गया, कहेंगे हाँ भाई ये इसमें लाइफ है। लेकिन पड़ोसी आज भी नहीं मानेगा, आप अर्निंग कर लो फिर भी पड़ोसी नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। फैमिली बस वही चाहती है कि हमारा लड़का अच्छे कंडीशन पे जाए, क्योंकि उनको लगता है जब वो कभी देखे ही नहीं है तो उनको कैसे यकीन होगा। वो सोचते हैं कि कोई गलत ट्रैक पे ना चला जाए, जिंदगी अपना करियर बर्बाद ना कर ले। जब उनको बिलीव हुआ तब जाके वो सपोर्ट करेंगे, वरना वो तो आपकी केयर ही कर रहे हैं, उसको ताने ना समझ कर केयर समझना ही बेटर रहेगा। अच्छा, आप जो ये टाइप के वीडियो अपलोड करते हो, मैंने देखा ज्यादातर आप लाइफ हैक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो, और इसमें आप दो तीन तरीका बहुत शानदार लगाते हो, जिससे आप अर्निंग भी कर लेते हो, आप स्पॉन्सरशिप भी कर लेते हो, और वीडियो वायरल करने के लिए आप कमेंट भी करा लेते हो लोगों से। ये तीनों ट्रिक मुझे आपकी बहुत शानदार लगी। और जो आप ये वॉइस बोलते हो, हमेशा मैं ज़्यादातर जो क्रिएटर उनको देखता हूँ, वो ये शॉर्ट्स में आप लोग जो अपनी वॉइस को फास्ट कर लेते हो, इसे एडिट करते हो या फिर जल्दी जल्दी आप लोग बोलते हो? इस वीडियो में आप एक ऐसा मैजिक सीखने वाले हो जिसे अगर आप अपने दोस्तों को दिखाओगे तो भैया उनका नहीं एडिट, तो मैं वॉइस को बिल्कुल भी एडिट नहीं करता कहीं भी। मतलब मैं काइन मास्टर में नॉर्मली जाके उसको रिकॉर्ड करता हूँ, बस मेरी मतलब आदत सी हो गई समझो, क्योंकि मैं जब से यूट्यूब स्टार्ट किया था तब से वॉइस ओवर करते करते मेरी एक आदत सी बन गई, तो मैं एकदम से फास्ट बोलने लग गया वैसे। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा शॉर्ट्स वालों में अगर तीन पॉइंट बताने, नंबर 3 जल्दी धर जल्दी बता देंगे, नंबर 2 धर 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 बता देते हैं, ये मैं सोचा है कि शायद फास्ट करते होंगे या फिर ये, जिस वजह से आपकी वीडियो जो है बहुत इंपैक्ट डालती है, लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं बोलने वक्त मतलब अलग टाइप से बोलता हूँ, जो मेरा नॉर्मली वॉइस होता है वो मेरी वीडियो के वॉइस से बहुत अलग होता है। मैं बोलने वक्त मतलब अपने आवाज़ को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे कमाल के लाइफ हैक्स जो आपके डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। अच्छा, ये जिस टाइप आप वीडियो अपलोड करते हो लाइफ हैक से रिलेटेड, इस टाइप की वीडियो आप खुद से बनाते हो या फिर दूसरों की वीडियो यूज करते हो? नहीं नहीं, मैं सभी वीडियो मतलब ना जितने भी अभी तक मैंने वीडियो अपलोड की है वो सभी मैं यूट्यूब से ही उठाता हूँ। अच्छा, YouTube से आप उनकी वीडियो भी लेते हो, उसमें थोड़ा सा आप अपना प्लानिंग करते हो, अपना स्क्रिप्ट तैयार करते हो, और वीडियो उनकी होती है, स्क्रिप्ट आपकी होती है, वॉइस आपकी होती है, तो कभी कॉपीराइट स्ट्राइक का डर नहीं आता कि कभी कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाए या फिर क्या है, क्या कंडीशन है इसका? मैं इससे बचने के लिए एक दो ट्रिक यूज करता हूँ, बाकी तब भी वो स्ट्राइक पड़ सकती है, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स यूज करता हूँ जिससे कि मतलब स्ट्राइक पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, पहला तो ये कि मैं एक चैनल से ही सभी क्लिप नहीं उठाता, मैं हर वीडियो पे अपनी 4 क्लिप दिखाता हूँ। पहला स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मैं बोलता हूँ, मतलब जो मेरा होता है वीडियो के टॉपिक के बारे में, एंड उसके बाद सेकंड में फर्स्ट ट्रिक, थर्ड में सेकंड ट्रिक, एंड थर्ड में थर्ड ट्रिक, ये तीनों बताता हूँ। ये तीनों ही अलग अलग चैनल से उठाता हूँ, मतलब एक शॉर्ट वीडियो में 3 अलग अलग चैनल से फुटेज देता हूँ, और वो फुटेज लेता हूँ, हाँ जो फुटेज लेता हूँ वो वीडियो ना जो ओल्ड है, बहुत ओल्ड वीडियोस हैं जिनपे ऑलरेडी बहुत अच्छे व्यूज आ रखे हैं, तो उससे क्रिएटर को भी, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको भी मतलब ऐसा लगता नहीं कि हाँ मेरे वीडियो थी, मेरी वीडियो उठाई, उसकी वीडियो चल गई, मेरी चली नहीं, ऐसा नहीं होता, इसलिए मतलब चांसेस कम हो जाते हैं स्ट्राइक पड़ने के। सही बात है, वो भी संतुष्ट हो जाता है कि चलो मेरी मेहनत का मैंने फल ले लिया, तब ये बंदा यूज किया है। हाँ। अच्छा, जो शॉर्ट्स क्रिएटर है उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंटेंट नहीं ढूंढ पाते हो, वो कंटेंट रिसर्च नहीं कर पाते कि मैं एग्जैक्ट किस कंटेंट पर वीडियो अपलोड करूँ कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए। प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग टॉपिक को आप ध्यान में रख के बताइए कि क्या ऐसा कंटेंट है जो नए क्रिएटर यूज कर सकते हैं अभी के टाइम पे, जहां तक मेरे को लगता है और मैंने भी ट्राई किया अपने एक न्यू चैनल पे, वो भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, तो वो है मतलब कि एनिमेशन रिलेटेड, जो एनिमेशन रिलेटेड, एंड सेकंड हुआ इमोशनल रिलेटेड, जो इमोशनल वीडियो बनाते हैं, चाहे वो स्टोरी इमोशनल हो या फिर एनिमल इमोशनल हो, वो वीडियो, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से भी मतलब ट्रेंड पे हैं। और अभी भी लाइफ हैक्स वगैरह भी अभी भी चल रहे हैं, जो लाइफ हैक्स हैं, मैजिक ट्रिक्स हैं, ये भी चल रहे हैं बहुत अच्छे से। बाकी जो इमोशनल वाली वीडियो है एंड एनिमेशन वाली वीडियो, इन दोनों पे मतलब काफ़ी अच्छी तरह से भी व्यूज आ रहे हैं।
अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है कि आप 10 वीडियो में से 4 वीडियो आपकी ऐसी होती है कि मतलब आप शॉर्ट्स में ही आप कंटेंट भी देते हो और बीच में 5-6 सेकंड के अंदर आप स्पॉन्सर भी कर लेते हो, और जिस वजह से आप लिंक में भी लोगों को ले जाते हो कमेंट में, जिस वजह से कमेंट भी करते हैं तो आपकी वीडियो की रीच और बढ़ जाती है। ये आपका पहला फायदा हो गया। दूसरा बात, आपने स्पॉन्सर किया उसका पैसा भी मिल गया। तीसरी बात, आपकी वीडियो पर इम्पैक्ट डाला और व्यूज़ भी बढ़ गया। बिल्कुल। तो ये स्पॉन्सर का आप कितना पैसे लेते हो? एग्जाम्पल आप नियर अबाउट एग्जैक्ट मत बताइए, लेकिन नियर अबाउट बताइए। नियर अबाउट मैं लेता हूँ, मतलब कि मैं तो पहले पूछ लेता हूँ कि ब्रांड कौन सा है, ब्रांड का बजट कैसा। अगर ब्रांड का बजट सही हुआ तो फिर मतलब 20, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम अभी तक मैंने चार्ज किए हैं 22K एक शॉट के, और मैं मिनिमम मतलब कि जो एवरेज चार्ज करता हूँ वो 15K to 20K। अच्छा, और अभी आप सोर्स फंड मिला के और स्पॉन्सर मिला के कितना महीने कर रहे होंगे? आप नियर अबाउट बता सकते हो, जब नहीं बताना चाहते तो आप नियर अबाउट बता सकते हो। स्पॉन्सर्स अगर आ जाए, अगर मन में अगर स्पॉन्सर्स अगर मिल जाए किसी मंथ, तो अप्रोक्स 50K हो जाता है, वरना अगर ऐसे ही नॉर्मली मंथली रहो तो 30K के आसपास। और अभी आप पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब भी मैनेज कर रहे हो, जिस वजह से आपकी अर्निंग और लर्निंग दोनों हो रही है। यस हाँ। देखिए, जो स्टूडेंट है यार, मैं तो कहूँगा आप अगर 2-3 घंटे आप यूट्यूब को देते हो तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिल जाएगा, आपको पहचान भी मिल जाएगी, आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, जिस वजह से आप पढ़ाई कर सकते हो, आगे और भी काम आप कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हो, आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ आपको जीने को मौका मिल जाता है यूट्यूब की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, आज जो अभी नए क्रिएटर हैं उनके लिए आप छोटा सा एक टिप्स बताइए जिससे वो अपने चैनल पर यूज कर सके ताकि उनकी वीडियो वायरल हो सके। नए क्रिएटर्स के लिए हाँ, पहली बात तो मैं नए क्रिएटर्स को ये बोलना चाहूंगा कि कभी की भी ना मतलब प्रमोशन के चक्कर में मत रहो, दूसरे को बोलो कि भैया मेरा चैनल प्रमोट कर दो। अभी मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे, बार बार डीएम करते हैं कि प्रमोट कर दो प्रमोट कर दो, तो ये एक बात ये है कि प्रमोट से कभी भी कुछ नहीं होने वाला। प्रमोट कर भी देंगे तो आपके वो पर्टिकुलर वीडियो पे व्यूज आ जाएंगे एंड सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लेकिन वो सब्सक्राइबर आपके एक्टिव नहीं रहेंगे। आप मेन फोकस करो आपके एक्टिव सब्सक्राइबर के ऊपर, जो आपकी वीडियो को एक्चुअल देख के आपकी वीडियो को पसंद करे और आपकी वीडियो को देखना चाहे। एंड जो आप मतलब डीमोटिवेट जब भी हो ना, तो डीमोटिवेट होने के बाद फिर से मोटिवेट हो जाओ, ये जरूर ध्यान रखना। वरना मैं चाहता तो अपना चैनल ड्रॉप कर सकता था जब मेरे को स्ट्राइक पड़ी थी, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत डीमोटिवेट हो गया था और मैं ड्रॉप करने भी वाला था, बट सोचा कि नहीं, अब कुछ इतने दिन तक मेहनत किया है तो थोड़ा और मेहनत कर ले, क्या पता कल ही वो ऐसा दिन हो जो हमारा टर्निंग पॉइंट बन जाए हमारे यूट्यूब करियर का। सही बात है, अंत तक आप लगे रहे और आपको फल मिला उस चीज का। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त, आप इनके चैनल का नाम जानते हो और इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नहीं तो आपको टाइटल में भी दिख रहा होगा। तो आज इनकी सफलता की कहानी मैंने आपको दिखाया, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो भी मैंने आपसे मिलाया। तो भाई से मिलकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।